नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती रद्द को लेकर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा क्या अब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि की संभावना और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में ये विज्ञापन जारी किया गया था 4163 पदों पर, और एक वर्ष बीत चुका है, काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन वगैरह भी किए, लेकिन इसकी परीक्षा तिथि जारी नहीं हो पाई। और अभी हाल ही में एक खुशखबरी देखने को सामने मिली थी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर, हालांकि गठन अभी तक नहीं हो पाया लेकिन उसकी घोषणा अभी की गई थी, और ये पूरी संभावना अभी लग रही थी कि जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा तो सबसे पहले ये भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर और बहुत जगह आपने देखा होगा ये खबर चल रही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो 4163 पदों का जो विज्ञापन था वो भर्ती रद्द हो जाएगी और नए सिरे से भर्ती विज्ञापन जारी होगा। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, दरअसल यदि देखा जाए तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये मनगढ़ंत ये न्यूज चलाई जा रही है, क्योंकि ऑफिशियल ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये विज्ञापन रद्द होगा, और इससे जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी थोड़े से निराश होते हैं, क्योंकि जब ऐसा लगता है कि एक वर्ष हो गया है अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है और आगे रद्द वाली खबर यदि सुनेंगे तो उनकी जो तैयारी है उसमें बड़ी निराशा होती है और तैयारी नहीं कर पाते अभ्यर्थी। लेकिन जो अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया है उनको ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अफवाह ही है। क्योंकि जब विज्ञापन निकाला गया है और आवेदन लिए जा चुके हैं, इतना काम हो चुका है, तो ये भर्ती जरूर होगी, निश्चित होगी, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। और जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा ये पूरी संभावना है कि बहुत जल्द ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आपको निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जो निकाला गया था 4163 पदों पर उसके साथ में काफ़ी बड़ी जनभावनाएं जुड़ी हुई है, और 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा, और यदि होता है तो दोबारा से जारी होगा। हालांकि अभी तक जो ये बातें चल रही है ये कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। ऑथेंटिक जानकारी यही है कि आपके आवेदन लिए जा चुके हैं, आपकी परीक्षा होगी, निश्चित होगी, और थोड़ा समय लग सकता है। कितना समय लग सकता है ये एग्जैक्ट तो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है कि जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, क्योंकि अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है, मंजूरी मिलेगी उसके बाद में गठन होगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस पर निरंतर काम चल भी रहा है और बहुत जल्द धरातल पर भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही ये गठन होता है उसके बाद में ये विज्ञापन आपको, नए विज्ञापन जितने भी लंबित भर्तियां हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो भर्तियां हैं शिक्षक भर्तियां वो सारी भर्तियां नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होगी, और ये जो भर्ती है यूपी टीजीटी पीजीटी इसकी संभावना सबसे प्रबल संभावना है, क्योंकि इसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। तो ये जो परीक्षा है ये सबसे पहले होगी, ऐसी पूरी संभावना है। और यदि पदों की संख्या बढ़ाई जाती है, पोर्टल खोला जाता है, तो भी उस प्रक्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत कम समय में ये प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि आवेदन लिए जा चुके हैं, 13 लाख अभ्यर्थियों का डाटा जा चुका है। तो अब जो है बहुत ज़्यादा काम इसमें हो चुका है, तो अब केवल परीक्षा ही करानी है, या फिर यदि पदों को बढ़ाया जाता है तो हर जिले से अधियाचन मांगे जाएंगे और जितने अधियाचन प्राप्त होंगे उस हिसाब से पदों को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि नहीं बढ़ाया जाता या बढ़ाया भी जाता है, दोनों ही स्थिति में परीक्षा होगी और ज़्यादा लंबा समय इसमें नहीं लगेगा। यदि डायरेक्ट 4163 पदों पर ही ये भर्ती होती है, तो जैसे ही चयन आयोग का गठन होगा ऐसी संभावना है
कि 1.5 से 2 महीने के अंदर ये परीक्षा हो सकती है, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि उसके बाद में परीक्षा की तैयारी ही आयोग को करनी है। और हालांकि नया जो चयन आयोग होता है उसको समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो कार्य है वो हो चुका है पहले से ही, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ऐसी पूरी संभावना है कि 1.5 से 2 महीने में ये भर्ती की जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया नहीं लेकिन जो एग्ज़ाम है वो कराया जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, आप निरंतर अभ्यासरत रहिएगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जो विज्ञापन निकाला गया है इतनी बड़ी मात्रा में आवेदन गए हैं, और साथ में काफ़ी सरकार को इससे ये मुनाफा भी हुआ है, क्योंकि इसमें जो आवेदन शुल्क था वो भी लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कि भर्ती रद्द हो जाएगी और ये नहीं हो पाएगी, भर्ती होनी निश्चित है। थोड़ा कुछ बदलाव हो सकता है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन भर्ती होगी, निश्चित होगी, और आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। बिल्कुल भी आपको हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन को लेकर खुशखबरी इस बात की लग रही है सभी को कि नया आयोग होगा और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सब कुछ होगा, और बहुत जल्दी जल्दी भर्ती प्रक्रियाएँ होंगी। और ऐसा भी सुनने में आया था कि एक कैलेंडर भी, वार्षिक कैलेंडर भी इस आयोग से जारी हुआ करेगा, जिसमें पूरे वर्ष का ये डाटा रहेगा कि कौन सी परीक्षा किस महीने में कराई जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो उससे अभ्यर्थियों को एक निश्चित समय में अपनी तैयारी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार से अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो पाती है। अभ्यर्थियों को ये नहीं पता रहता है कि कब परीक्षा होगी, होगी भी या नहीं होगी, और कई कई वर्षों तक ये भर्तियां लटकी रहती है। तो अभी तक जो आयोग था उसका ढीला ढाला रवैया रहता था। हालांकि इससे पहले जो 2021 का जो विज्ञापन जारी हुआ था TGT का, वो भर्ती 1 साल के अंदर कंप्लीट करा ली गई थी, वो बहुत ही अच्छी वो भर्ती हुई थी, और 1 साल के अंदर TGT PGT की भर्ती कंप्लीट करा ली गई थी, और इसकी भी संभावना ऐसी ही लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसमें काफ़ी लेट लतीफ़ी होती रही। और अब जाकर ये ऐसा लगा था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जैसे गठन होगा तो जल्द ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी, लेकिन जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं होता है तब तक थोड़ी ये चिंता की बात रह सकती है कि कब गठन होगा। अभ्यर्थी इसको लेकर परेशान है, लेकिन गवर्नमेंट जरूर इसमें कुछ करेगी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये इसकी घोषणा की है तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी और सारी भर्तियां भी। आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।